नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रचनी। रूठ गए भगवान। जी हां, डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है और अगर वही भगवान रूठ जाए तो फिर मरीजों का क्या होगा। अक्सर हम सुनते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर से लड़ाई हुई, तमाम डॉक्टर एकजुट हो गए और हड़ताल करते, लाठीचार्ज हुआ, कुछ डॉक्टरों को हिरासत में लिया, तमाम डॉक्टर एकजुट हुए, जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर दी। बार बार हड़ताल होती है और सरकार से मांग की जाती है, अपनी मांगों को लेकर विरोध भी करते हैं लेकिन सरकार कुछ करती नहीं है। सरकार और जूनियर डॉक्टर की हड़ताल में अगर कोई पिसता है तो वो मरीज। ठीक है, मांग उनकी मान ली गई, अगर FIR जिन पर दर्ज की गई है पीजी डॉक्टरों को, वो वापस लौट कर आ जाएंगे, लेकिन अगर इस हड़ताल के दौरान कोई मरीज मारा गया है तो क्या मरीज वापस आ जाएगा? क्यों डॉक्टर भगवान की भूमिका नहीं निभाते हैं? क्यों वो यहां पर हड़ताल कर देते हैं और सोचते नहीं हैं मरीजों के बारे में, स्वार्थी हो जाते हैं? सरकार जनता की बात करती है लेकिन जनता के बारे में नहीं सोचती, क्यों बार बार ऐसे हालात बनते हैं? इससे जुड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे डॉक्टर से कि आखिर क्यों मरीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। सरकार के नुमाइंदों से भी पूछेंगे कि बार बार सरकार और डॉक्टरों के बीच पिसती क्यों है जनता, बार बार रूठते क्यों है भगवान। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीज हलकान हैं, परेशान हैं, यहां तक कि कई मरीजों की मौत भी हो गई है हड़ताल से। हालांकि डॉक्टर अपनी बात कह रहे हैं, मरीज के परिजन परेशान हैं, अपने मरीज को बचाने के लिए वो महंगा इलाज करने के लिए तैयार हैं और पहुंच रहे हैं निजी हॉस्पिटल। देखिए क्या हालात हैं। पीजी के छात्र यानी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल क्या हुई, मरीज और उनके परिजन हलकान हो गए। वैसे तो पूरे सूबे में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन सूबे के सबसे बड़े अस्पताल PMCH की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। 24 घंटे से मरीज और उनके परिजन हैरान परेशान है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। कुछ मरीज के परिजन निजी डॉक्टरों को बुलाकर इलाज करा रहे हैं। जरा PMCH में आए मरीज के परिजनों की जुबानी ही सुन लीजिए। इलाज अभी नहीं हो रहा है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर का कोई ऐसी सुनवाई नहीं है। वो कब से ऐसी है, एक बार प्राइवेट हम लोग डॉक्टर बुलाए थे, उसी से दिखवाए हैं, कोई ऐसी नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में जूनियर डॉक्टर ने भी स्वीकार किया कि हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है, लेकिन जूनियर डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि हमारे हड़ताल पर जाने से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। सीनियर डॉक्टर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर आदि आम दिनों की तरह इलाज कर रहे हैं। मरीज को तो परेशानी होती है, लेकिन जहाँ तक बात है, हम लोग तो यहाँ के ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। हम लोग छात्र हैं, PG छात्र होते हैं, जो MBBS के बाद PG में एडमिशन होती है, और हम लोगों का जो सीनियर रहते हैं, सीनियर रेजिडेंट हुए या एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर, उन्हीं के सजेशन के अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग तो एक छोटा सा हिस्सा है, ये बात दूसरी है। जो थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर आम दिनों में टोटल जिम्मेदारी हम ही लोगों पर रहती है। वहीं इस हड़ताल से निजी अस्पतालों और निजी डॉक्टरों की चांदी हो गई है। निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में पहले से अधिक वृद्धि हुई है। निश्चित तौर पर जूनियर डॉक्टरों का अचानक से हड़ताल पर जाना मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी दे गया है। जरूरत है कि सरकार मामले में हस्तक्षेप कर सकारात्मक हल निकाले और धरती के भगवान जो रूठ गए हैं उन्हें मना ले, ताकि चिकित्सा व्यवस्था सामान्य हो सके। न्यूज इंडिया के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो ये हाल हम आपको PMCH सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का दिखा रहे थे कि वहां क्या हालात थे। पूरे बिहार की बात की जाए तो अब तक इस हड़ताल की वजह से कई मरीजों की मौत हो गई है। एक सवाल उन तमाम डॉक्टरों से भी है, बार बार कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा सामान्य है, अगर 100% जूनियर डॉक्टर काम करते हैं, 70% जूनियर डॉक्टर अगर चले जाते हैं, उसमें से अगर 30% नए लोगों को लाकर कहा जाए कि आप बाकी 70 का काम करिए, तो वो कैसे करेंगे? बहुत सामान्य सी बात है। और अगर काम का लोड ज्यादा होगा, काम अच्छा नहीं होगा, तो मरीजों की मौत होगी कि नहीं होगी? जिन मरीजों का ऑपरेशन हुआ उन्हें तक देखने के लिए इमरजेंसी सेवा में डॉक्टर नहीं पहुंच रहे हैं। चंद डॉक्टर सीनियर्स जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, क्या वो इन
सैकड़ों डॉक्टर की भरपाई कर सकते हैं। जूनियर डॉक्टर भले ही उन मौतों के लिए अपने आप को जिम्मेदार ना समझें, लेकिन उस माँ के बारे में सोचिए। अगर किसी का घर का इकलौता ही बेटा है, उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए और वो हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पर कह दिया जाए कि हड़ताल है, हम इलाज नहीं करेंगे, आप निजी हॉस्पिटल जाइए, जाने में भी वक्त लगेगा और वो गरीब जो महिला होगी वो कैसे इलाज करवाएगी। ऐसे में अगर उसका बच्चा मर जाता है तो अगली बार जब भी वो याद करेगी उस दिन को यही कहेगी कि ये वही डॉक्टर हैं जिनकी वजह से हमारा बच्चा मर गया या हमारा भाई मर गया, हमारा पिता मर गया। क्यों नहीं सोचते हैं? एक पक्ष नहीं, हम दूसरे पक्ष की भी बात करें तो सरकार क्यों नहीं सोचती? जूनियर डॉक्टर ने चेताया था पहले, हड़ताल के पहले विरोध स्वरूप कैंडल मार्च निकाला था, 24 घंटे की हड़ताल के बारे में कह दिया था कि अगर सरकार नहीं मानती है, जो FIR दर्ज की गई है उन जूनियर डॉक्टर्स पर, वो वापस नहीं लेती है, मांगे नहीं मानती है, तो 24 घंटे की हड़ताल पर जाएंगे। ये स्थिति पहली बार नहीं बन रही है, बार बार ऐसी स्थिति बनती है। क्यों स्थिति को लेकर सुधार नहीं होता है इस वक्त? सबसे पहले तो नीरज त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीरज, धरती का भगवान रूठ गया है, ठीक है, बातचीत चल रही है, अगर मान गए तो ठीक है, लेकिन जो लोग इसमें मारे गए उनका क्या होगा? मरीजों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार होगा? जी जाहिर सी बात है रजनी, कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जिस तरह से सूबे के सबसे बड़े अस्पताल PMCH और पूरे सूबे के सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है, कहीं ना कहीं उसको लेकर जिस तरह की समस्याएं हैं वो नाकाफी है। और जिस तरह से अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जूनियर डॉक्टर्स के बदले जिस तरह से नए डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स को PMCH में लगाया गया है काम के लिए, कहीं ना कहीं उनसे ये बातें संभल नहीं है। देखिए, आपको बता दूं रजनी, कि जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो हर चीज, हर एक एरिया से लेके हर एक मरीजों की जानकारी तक से वाकिफ होते हैं जो उनके अस्पताल में भर्ती होते हैं, खास करके इमरजेंसी की अगर हम बात करें। और उसी की जगह पर जिस तरह से दूसरे डॉक्टर्स को लगा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी समस्याएं आ रही है, क्योंकि उनके पास नए केसेस आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो अन्य जगह से आए हुए हैं और वो जिन मरीजों को संभाल रहे हैं वो उनके लिए एकदम नए केस है। तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर कहीं ना कहीं मरीजों को समस्याएं तो आ ही रही है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि 24 घंटे पहले जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी भी दी थी कि हम 24 घंटे के बाद हड़ताल पे चले जाएंगे, पर सरकार कहीं ना कहीं उनकी बातों को अनसुनी कर देती है। और इस अनसुनी करने के कारण कहीं ना कहीं सूबे भर के सारे PG के जो छात्र हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो हड़ताल पे चले जाते हैं। तो रजनी, इस तरह का हमेशा देखा गया है कि जब भी डॉक्टर्स चेतावनी देते हैं, चाहे वो IMA हो, भाषा हो, चाहे जूनियर डॉक्टर्स हो, चेतावनी देते हैं, सरकार उस पर गौर नहीं करती। और जब हड़ताल हो जाती है तब कहीं ना कहीं सरकारी महकमे में जाकर हड़कंप मचता है और लोग मारे जाते हैं, तो सरकार चिंतित होती है। मगर अभी भी देखा गया है कि जिस तरह से 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं PMCH और अन्य अस्पतालों को, लोग मर रहे हैं, मरीज बेहाल है, मगर सरकार की तरफ से अभी तक कोई वार्ता नहीं की गई है। और थोड़ी देर पहले तक की जो रिपोर्ट है, PMCH के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो PMCH 50 से मिले हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अब आप पहल कीजिए कि हमें उचित न्याय मिले। जूनियर डॉक्टर का साफ तौर से एक ही मांग है कि उनकी साथियों की जो पिटाई हुई थी, उनके दोषी पुलिसकर्मियों को अविलंब बर्खास्त किया जाए, और जो उस प्रदर्शन के दौरान IS भवन में जो लाठीचार्ज के प्रदर्शन के दौरान उनके साथी की गिरफ्तारी हुई थी उनको रिहा किया जाए। इन सब मांगों को लेकर पिछले 24 घंटे से अधिक से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं और सूबे भर के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां के मरीजों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और सरकार है कि कान में तेल डालकर सोई हुई है। जी रजनी, अब नीरज, अब इस पे पुलिस भी आ गई है, भाई पुलिस पे कार्रवाई करिए, क्योंकि लाठीचार्ज किया था उनके वो पुलिस और साथ ही साथ जूनियर डॉक्टर, सरकार के बीच पे आम लोग रहे हैं। इस पर आपसे बात करेंगे। इस वक्त सनोज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, RJD के नेता हैं, स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप RJD से ही ताल्लुक रखते हैं, वो तो नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन हाँ, सनोज यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी आपको नमस्कार मैडम जी। ये धरती के भगवान जो रूठ गए हैं, कार्रवाई की मांग को लेकर डॉक्टर बार बार चिताते रहे सरकार को, कैंडल मार्च निकाला, ये भी काम 24 घंटे की हड़ताल करेंगे, लेकिन आप लोगों ने अनसुना कर दिया और अब हालत ये है कि कई मरीज मारे गए। देखिए रजनी जी, जूनियर डॉक्टर या डॉक्टर जो भी हैं, भगवान के रूप माने जाते हैं इस धरती पे जी। और जब कोई भी जिससे की समस्या या जिससे की बीमारी अगर होती है तो डॉक्टर ही उसको इलाज करके उस समस्या को दूर करते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर डॉक्टरों पे पुलिस द्वारा अगर किसी लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा गया या उनको गिरफ्तार किया गया,
तो किन कारणों से किन मजबूरी में पुलिस प्रशासन ने उन लोगों पर जिससे कि अपना डॉक्टरों पर लाठीचार्ज किया और डॉक्टरों के साथ अगर पुलिस प्रशासन ने नाइंसाफी किया है और उनके साथ अगर गलत व्यवहार किया है तो जूनियर डॉक्टरों को भी चाहिए था कि अपने डेलीगेशन लेकर के या मान उनके डॉक्टरों का टीम बना करके जो उनके साथ जो आचरण जो हुआ जो उनके साथ जो व्यवहार हुआ है तो मतलब कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर के अपनी जिसकी भावनाओं को अपना बता सकते थे, माननीय मुख्यमंत्री को भी जाकर के बता सकते, मेरे साथ ये घटनाएं घटती है जो दोषी लोग उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रजनी जी हम ये समझते हैं इस काम में स्वास्थ्य मंत्री जी भी लगातार जैसे कि अपने काम में लगे हुए हैं और कल भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया था तो कई डॉक्टर सीनियर डॉक्टरों ने जैसे कि जो हालात जो उस पर जो पीएमसी को हो गई है उसकी व्यवस्था जो सुधार में अपने सीनियर डॉक्टर भी उन्हें काम कर रहे हैं। आज में कई 24-30 डॉक्टरों ने भी अपना कमान संभाल रखा है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर जो मतलब कि एक भगवान के रूप में होते हैं, मरीजों का मतलब कि जिंदगी बचाने के लिए ही भगवान की उत्पत्ति होती है, तो डॉक्टर अगर अपने कर्तव्य से अपने जैसे की कामों से अगर जैसे की ऐसी तरह अगर वो करते रहेंगे, हम ही कहेंगे जो आज जो मान पीएमसी में जो मरीज जो मर रहे हैं, जो परिवार लोग जो सदमे में जो तकलीफ में है, जो दुख में है, उनका क्या कसूर है? हम समझते हैं कि जो डॉक्टर भाई लोग हैं वो भी तो किसी के भाई हैं, वो भी तो किसी के पुत्र हैं और उनके साथ परिवार के साथ किसी तरह के इस तरह का हादसा घटे तो उनके जिसकी आप सरकार में है शायद आपको अपनी कमी नजर नहीं आएगी। लेकिन इंजीनियर अजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता, वो बताएंगे कि आखिर किसकी कहां पर कमी है। अगर भगवान रूठ गए हैं, मना लिया जाएगा, ठीक है, हो सकता है कि कुछ घंटों बाद बात हो, मान जाएं, लेकिन अगर ऐसे में जो हड़ताल की वजह से मरीज मारे गए उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अजय जी स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। रजनी जी, ये बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के कल एक प्रतिनिधि हमारे साथ एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हुए थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस बिना मतलब का लोगों के साथ उलझ गई और पिटाई करने लगी, वो भी चोरों की तरह पिटाई करने लगी। दूसरी चीज कि जब सारी चीजें हो गई उसके बाद पुलिस ने इनको पकड़ा और गलत धाराओं में कई धाराएं इनके ऊपर लगा करके पुलिस हथकड़ी लगा करके कोर्ट ले गई और कोर्ट के बाद उनको जेल भेज दी, देउर जेल। रजनी जी यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का कि पढ़े लिखे लोगों की एक जमात के चार लोगों को बिहार पुलिस ने झूठे मुकदमे लगा करके स्टोन पेल्टिंग का मुकदमा, जबकि एक भी स्टोन वहां बरामद नहीं हुआ है, कश्मीर के पत्थरबाजों पर जो मुकदमे होते हैं वही मुकदमा बिहार सरकार डॉक्टरों पर की है। ये डॉक्टर वहां आप सरकार को दोषी मानते हैं, एक तो इसलिए कि कार्रवाई गलत हुई है, दूसरा इसलिए कि डॉक्टर कह रहे थे हड़ताल पर जाएंगे तो पहले से क्यों नहीं सोचा कि मरीज मर सकते हैं? दूसरी एक चीज और है, हाँ, कि स्वास्थ्य मंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है, यह स्वास्थ्य मंत्री केवल बंसी बजाता है बिहार में बैठ करके। इनको बिहार के किसी भी स्वास्थ्य विभाग के किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। कैसे लोगों के साथ घिरे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यह अब उनको पता चल रहा होगा। स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चौपट हो चुकी हैं, एक बार नहीं कई बार जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने ध्यान आकृष्ट कराया है। अभी देखिए सरोज यादव जी, सुना रोम जल रहा है, नीरो क्या कर रहा है, बंसी बजैया है, बंसी बजा रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, मरीज मर रहे हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, हमारे हम लोग सरकार में है तो सरकार का भी दायित्व हम लोग का है लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, हर तरह जिससे की डॉक्टर अपना काम भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर भगवान के दर्जा एक तरफ भी आप लोग जैसे कि देते हैं और इसको कहा जाए कि अगर जैसे कि ये भगवान नहीं ये शैतान के रूप में काम कर रहे हैं तो इसको जैसे कि कोई गुजारा नहीं गुजरेगा। लेकिन सवाल है कि ये जो लोग मौत जो मर रहे हैं इसके लिए कौन दोषी है? हम तो दोषी मानेंगे कि मुख्य रूप से जो है जूनियर डॉक्टर की लापरवाही या घोर जैसे की तनाशाही का ये वो आपके पास गए थे, कैंडल मार्च निकाला था, बोला था हम जाएंगे कार्रवाई करिए, सरकार ने सुना नहीं, तो सरकार भी तो दोषी है। रजनी जी सवाल है कि सिस्टम में सरकार किसी के दबाव में सरकार काम नहीं करती है, सरकार का कोई काम है
तरीके से जो कानून तरीके से जब आएंगे अपनी मांग को अगर सही तरीके से रखेगी मर जाए वाजिब होगा, मरीज मर जाए आपके, आप झुकेंगे नहीं, मरीज मर जाए, सैकड़ों लोगों के घर अब वो उजड़ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग झुकेंगे नहीं, डॉक्टर से भी हम वही कहेंगे, डॉक्टर भी नहीं झुकेंगे। रजनी जी आप ये समझ लीजिए कि ये जो उजाला जाए जो मर रहे हैं लोग, इसके लिए हम समझते हैं कि सरकार तो कम लेकिन इससे सबसे ज्यादा जैसी जूनियर डॉक्टर इसमें दोषी है कि अगर आपके पास मांगे हैं तो आपके साथी अगर जेल गए हैं किसी झूठा आरोप में हो या सच के आरोप में हो वो तो जांच का विषय है, लेकिन जब आपके साथी तो जिसके घर आ भी सकते हैं कि जिनके परिवार के साथी जिनके बेटे जिनके माँ जिनके बहने जो आज मतलब जो चले गए वो तो आपस नहीं लौटेगी। ठीक है, सरकार अपने आप को तो मानेगी नहीं जिम्मेदार है। अजय जी कुछ कह रहे हैं जी, बोलिए अजय जी। अभी भी समय है, वो बोले थे कि 24 घंटा में हम अपनी मांगों को रखेंगे और पुनः जैसे हम जाएंगे, लेकिन अभी मानवता के नाते भी जूनियर डॉक्टर भाइयों को जिस की हड़ताल समाप्त करके और मानव के जिंदगी के सेवा पुनः जिसकी उनको आपस लौटकर उनको सेवा में लग जानी चाहिए और मांग है तो सरकार के सामने अपने शांति तरीके से अपनी मांग को जिस की रखे और ये हड़ताल करके दबाव बनाकर किसी के मनाया जा सकता है तो सरकार भी तो कुछ करिए, सरकार कानून बनाती है, अगर कोई हड़ताल पर जा रहा है तो उन डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, आगे ना जाए भाई, वो उस पे लॉ है कानून है, कहाँ उनका इस्तेमाल करती है सरकार ना। सबसे अगर देखिए हमारे देश में जिसकी रजनी जी एक और भी मामला है मसला, डॉक्टर को जिस आसानी से अपने हड़ताल की अपनी मांग करते हैं, लेकिन पूरे देश में एक ऐसे जैसे की कानून जिसकी सख्त बनाने की जरूरत है कि मन के डॉक्टरों के प्रति मन के हड़ताल मन किसी भी समय लोग ना करे, अगर हड़ताल करने पर ही एक्ट कानून जिसकी बननी चाहिए किसी भी परिस्थिति में हो हड़ताल पर डॉक्टर नहीं जाएंगे, डॉक्टर का काम है। ठीक है ठीक है अजय जी, मानव को जिंदगी बचाना, आप कुछ कहना चाह रहे थे में जैसे कि जो मरीज जो आईसीयू में पड़े हुए हैं उनको छोड़ करके हड़ताल कर जाइए, डॉक्टरों की पिटाई करते रहे और डॉक्टर उफ तक नहीं बोले मार खाते रहे। डॉक्टरों ने पिछली बार जब हड़ताल की थी रजनी जी तो उन्होंने कहा था कि पीएमसीएच में जो लोग भी मरीज आते हैं उनके परिजनों को एक आइडेंटिटी कार्ड बांटा जाए, भीड़ आती है और उनके साथ मारपीट करती है, यहाँ पीएमसीएच के अंदर वह प्रबंधन ने इसको नहीं सुना, पीएमसीएच के डॉक्टरों ने कहा था कि भाई आप हमारे लिए जो हॉस्टल है हॉस्टल चूंकि बहुत ऊंची है बिल्डिंग है उसमें एक लिफ्ट लगा दीजिए ताकि ताकि हम हमारा एक्सेस जल्दी हो जाए, हम जल्द से जल्द पेशेंट के पास पहुंच जाएं। पीएमसीएच प्रबंधन ने उसको और सरकार ने उसको नहीं सुना। पीएमसीएच के डॉक्टरों ने जो हड़ताल की है, रजनी जी मेरी व्यक्तिगत बात हुई है डॉक्टरों से और डॉक्टर एसोसिएशन से, उन्होंने कहा कि हम हड़ताल से पहले अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को हमने सूचना दे दी थी कि हम अमुक दिन ऐसा करने जा रहे हैं, अगर हमारी बातों को नहीं माना गया उन्होंने लिखित दिया है, क्योंकि बिहार में शासन करने वाले लोगों को डॉक्टर के प्रति कोई संवेदना नहीं है, क्योंकि ये कम पढ़े लिखे लोगों का एक कुनवा है जो बिहार में काबिज है, बिहार में शासन सत्ता में बैठा हुआ है, इसको शिक्षा दीक्षा पढ़ाई मेडिकल क्या होता है एमबीबीएस का पूरा फॉर्म क्या होता है स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं है। रजनी जी बहुत विवशता में जूनियर डॉक्टर्स या सीनियर डॉक्टर्स कहिए यहाँ काम कर रहे हैं, इन डॉक्टरों के मनोबल को तोड़ने के लिए। अजय जी आप डॉक्टरों का पक्ष ले रहे हैं, ठीक है, सरोज जी अपना पक्ष ले रहे हैं, लेकिन सबके बीच जरा उन गरीबों का सोचिए, मरीजों का जो मर रहे हैं उनका कौन पक्ष ले रहा है, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। पूरी होने दीजिए प्लीज। देखिए डॉक्टरों पर दबाव बनाने के लिए नालंदा जिले के अस्थामा के 2 डॉक्टरों को जो एसोसिएशन से संबंधित है उनको शराब पीने के जुर्म में उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यह डॉक्टर बिहार के पूरे डॉक्टर महकमे को दबाव में लाने की एक साजिश है, इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। देश की जनता जहां जहां न्यूज इंडिया चैनल देख रही है उन सबों से मैं आग्रह करता हूं कि आप राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाए, जिन डॉक्टरों को पुलिस ने जेल भेजा है 14 दिन के लिए राज्य सरकार उस मुकदमे को तत्काल वापस ले और उनको जेल से रिहा कराए। अजय जी वो रिहा भी हो जाएंगे क्योंकि लेकिन हम बार बार डॉक्टरों का इसलिए कह रहे हैं कोई व्यक्ति क्यों जेल में रहेगा रजनी जी। ठीक है ठीक है वो रिहा भी हो जाएंगे, ठीक है वो रिहा भी हो जाएंगे वापस आ जाएंगे, लेकिन जो लोग मर गए हड़ताल की वजह से मरीज वो वापस नहीं आएंगे,
ये बात समझनी होगी, सब लोगों को समझनी होगी। नीरज आपसे सवाल, बार बार कुछ भी होता है, मरीज के परिजन पीटते हैं डॉक्टरों को, तमाम डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं, कोई मांग है तमाम डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं, ठीक है वो उनका अधिकार है, लेकिन वो अधिकार से ज्यादा तो ब्रह्मास्त्र है उनका, उन्हें पता है कि अगर हम हड़ताल पर जाएंगे तो असर होना ही होना है, झुकना पड़ेगा। आखिर कब तक ये चलता रहेगा, कब तक हड़ताल की वजह से बाकी जो मरीज है वो परेशान होती रहेगी? देखिए रजनी, अगर हम बात करें हड़ताल की और खास करके पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की, तो आप अगर मैं आपको बता दूं कि इस महागठबंधन की सरकार को बने हुए कुछ साल हुए हैं और इसी साल के अंदर जितनी बार जूनियर डॉक्टर्स पटना के पीएमसीएच और सूबे के अन्य सरकारी अस्पतालों में हड़ताल कर चुके हैं, शायद ही इस तरह का हड़ताल किसी अन्य सरकार में देखने को मिला है। पिछली सरकार की अगर हम बात करें तो पिछले सरकार में पूरे 5 सालों चलने के बाद शायद 1 या 2 बार जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे गए थे और सरकार की तरफ से मान मुलाउल के बाद जूनियर डॉक्टर्स की मांगे मान ली गई थी और कहीं ना कहीं इसको लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल नहीं की थी। मगर जो अभी वर्तमान सरकार है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में जो स्वास्थ्य मंत्री अपने तेज प्रताप यादव हैं, पता नहीं उनका संबंध और डॉक्टरों का संबंध कैसा है, शायद उनमें आपस में बनती नहीं या उनकी बातें डॉक्टर्स नहीं सुनते। जैसा कि सनोज यादव ने, राजद नेता ने साफ तौर से बताया है, सूबे में सरकार उनकी है, महागठबंधन की सरकार उनकी है और स्वास्थ्य मंत्री भी उनके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सनोज यादव ने साफ तौर से बताया है कि एक डेलीगेशन स्वास्थ्य मंत्री से मिला और स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया, मगर अभी जब आश्वासन या स्वास्थ्य मंत्री इस बारे में चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर्स को हड़ताल पे नहीं जानी चाहिए। तो ये आपसी असमंजस की बात है कि दोनों में तालमेल सही नहीं बैठ रहा है, स्वास्थ्य विभाग और जूनियर डॉक्टर्स में। और दूसरी ओर जिस तरह से राजद नेता सनोज यादव ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स इन सारे मौतों के जिम्मेवार हैं, तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसके दोषी जूनियर डॉक्टर्स भी हैं, मगर रजनी इस मौतों के कम जिम्मेवार सरकार भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स जब भी अपने हड़ताल पे जाते हैं वो अल्टीमेटम देते हैं, सरकार को चेतावनी देती है, अगर सरकार गंभीर होते हैं तो इन मौतों को रोका जा सकता है रजनी, पर कहीं ना कहीं इन मौतों को लेकर सरकार भी गंभीर नहीं है और इसी कारण सूबे में इस तरह की मौतें हो जाती हैं और आए दिनों जूनियर डॉक्टर्स किसी न किसी मांग को लेकर हड़ताल पर चले जाते हैं और सूबे के मरीजों को, अपने लोगों को खोना पड़ता है, जिसका कम गम शायद ही वो जिंदगी भर भुला पाए कि इस हड़ताल के कारण उनके अपने उनसे दूर चले गए। जी रजनी बिल्कुल, और जो दूर चले गए हैं वापस तो नहीं आएंगे। सरोज जी, सरकार क्या कुछ ठोस कदम निकालेगी? बार बार हड़ताल होती है, हड़ताल खत्म हो जाएगी लेकिन मरीज प्रभावित होते रहेंगे, कोई हल है सरकार के पास? देखिए, सरकार का हमेशा प्रयास रहती है कि अच्छा काम हो, आज दिशा में है, पूरे प्रदेश में है, स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव जी कई अस्पतालों में अच्छे कार्य कर रहे हैं, हर तरह की सुविधा मुहैया जिसकी मरीजों के लिए व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से जो अच्छे काम जो सरकार जब करती है महागठबंधन का, कुछ ऐसे जो पीएमसीएच में या प्रदेश में कुछ ऐसे जिससे कि जो मन चले, जो मतलब कि तनाशाह जो कुछ जूनियर डॉक्टर है, ये जिससे कि अस्पताल को, बिहार को छवि के कुछ लोग खराब करने में भी लगे, डॉक्टर मनचले नहीं है सरोज जी, आप लोग कुछ भी बोल देते हैं। ना रजनी सुनिए ना, मनचले तो कुछ लोग तो है ही ना, जो बीजेपी के कुछ नेताओं के इशारे पे इस तरह के हड़ताल करके मौत के मरीजों के साथ खेलना चाहते हैं, तो ये तो इनके पर्दे के पीछे तो कोई ना कोई तो लोग है। ऐसे आप कह रहे हड़ताल बीजेपी के इशारों पर हो रही है? एकदम निश्चित तौर पे, मतलब कि बीजेपी नेताओं के इशारे पे है कुछ हड़ताल, अगर मरीज मर रहे हैं तो बीजेपी जिम्मेदार है। कुछ डॉक्टर, रजनी जी बात हमें सुन लिया जाए, कुछ डॉक्टर चाह रहे की हड़ताल शीघ्र ही टूट जाए, कुछ डॉक्टर जो है बीजेपी के इशारे पर जिसकी के काम करना, हड़ताल मेरा भी जारी रहेगा, तो इसके लिए कम दोषी बीजेपी के नेताओं नहीं है, इन लोगों तो लास्ट पर जिसकी राजनीति करने का बीजेपी नेताओं का जिससे की हक बना हुआ है, आज लास्ट पर भी लोग राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति करने के समय नहीं है, अभी मरहम पट्टी लगाने की जरूरत है कि डॉक्टर जो है शीघ्र ही अपने हड़ताल जिसे खत्म करके मानव जिंदगी के बचाने के लिए पुनः जिसके आना चाहिए। एक और चीज है, सरकार को जिसके दबाव बनाने के लिए एक और पहलू किया जा रहा है रजनी जी, जैसे कि राज्य में आईएएस भवन में जो काउंसलिंग जो अभी हो रहा है जी। उसको प्रभावित करने के लिए सरकार पर भी जिसकी बनाई जा रही है, तो ये किसी सरकार जो किसी के दबाव पर कोई काम नहीं करती है, सरकार अपना जैसे काम है पहलू है, और जो सच्चाई होगा, जो डॉक्टरों के अच्छे जो मांग होंगे तो उस पर सरकार पुनः जिसकी की जरूर विचार करेगी, सरकार स्वीकार नहीं करेगी, हड़ताल अनिश्चितकालीन बढ़ती रहेगी, मरीज मरते रहेंगे, हड़ताल का कोई हल नहीं है। के लिए सरकार बार बार रूठ जाते हैं भगवान,
हड़ताल जैसे कि राजनीति टूट भी जाएगा। और डॉक्टरों से मैं अपील भी करूंगा कि आप हड़ताल पर तोड़ करके मानव श्रृंखला की जिंदगी में बचाने के लिए अभी से ही लग जाए। जो आपकी मांगे हैं आप सरकार के सामने आप जाइए, पुनः जैसे कि डेलीगेशन अपना लिखित तौर पर अपनी बात को रखिए, निश्चित तौर पर सरकार आपकी बात मानेगी। अजय जी बोलिए। जी देखिए अरविंद जी, स्वास्थ्य मंत्री जी दो दर्जन से ज्यादा कंपनियों के मालिक हैं और बेनामी हजारों करोड़ बेनामी संपत्ति के मालिक हैं। इनको स्वास्थ्य विभाग छोड़ करके और कंपनियों को ही चलाने के लिए फुर्सत कर दिया जाए। अगर ये खुद फुर्सत नहीं लेते हैं तो इस बार इनकम टैक्स इनके पूरे परिवार को फुर्सत में ला देगी। अजय जी हम जाएंगे, ये सामाजिक मुद्दा है, यहाँ पर राजनीतिक बहस ना हो तो बेहतर होगा। ये सोचे हम लोग कि बार बार हड़ताल क्यों होती है, बार बार क्यों डॉक्टर रुक जाते हैं, फिर मनाने में इतना वक्त लगता है कि कई लोग मर जाते हैं। कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझ करके डॉक्टरों को प्रताड़ित करता है तो उनके विवेक पर निर्भर करता है। डॉक्टर किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है और हर पढ़ा लिखा व्यक्ति को लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी का कुनवा कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हर व्यक्ति जो व्यापार करता है, जो पढ़ा लिखा है, वह व्यक्ति के बारे में यही लोग प्रचारित करते हैं कि ये जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन कि यहाँ पर वो मर रहे हैं। बिल्कुल यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। डॉक्टरों ने अल्टीमेटम दिया है, सरकार वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती थी। पीएमसीएच में अगर डॉक्टर नहीं है तो आस पास के जिलों से सीनियर डॉक्टर्स को बुला करके पीएमसीएच को चलाया जा सकता था, लेकिन जहां स्वास्थ्य मंत्री बंसी बजाने में लगा है वहां वैसे राज्य का क्या होगा, बंटाधार हो जाना है स्वास्थ्य विभाग का। चलिए देखते हैं बंटाधार होता है या नैया पार होती है, क्या होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर अजय यादव जी, सरोज यादव जी और नीरज तमाम इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो धरती का भगवान डॉक्टरों को कहा जाता है और अब भगवान रूठ गए हैं, भले ही मान जाए लेकिन बार बार क्यों रूठते हैं भगवान, इस पर भी लोगों को सोचना होगा, क्योंकि मर जाते हैं मरीज डॉक्टरों के ठीक से इलाज ना करने की वजह से। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।